ऐसे तो भैया सलमान खान और पुलिस स्टेशन एफआईआर का चोली दामन का रिश्ता लगता है, लेकिन इस बार जो हुआ है लगता है बुरे फंसे हैं। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, इस बार सलमान खान नहीं, लेकिन सलमान खान के दो प्यारे प्यारे भाई और उनके भाई का बेटा दोनों ही फंस चुके हैं बुरी तरीके से। भाई ऐसे तो देखो, अगर वीडियो की शुरुआत में एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि सलमान खान सैनिटाइजर लेकर आए हैं, और हमेशा जब बिग बॉस को होस्ट करते हैं तो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि अपने माता पिता से प्यार करो ना और डोंट गिव देम कोरोना। ठीक है, ये उनका एक टैगलाइन होता है। अब यही टैगलाइन लगता है कि उनके भाई जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे माजरा क्या है। माजरा दरअसल ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सोहेल खान और अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे निर्माण खान जो है पहुंच गए थे यूएई। अब वो वहां गए थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने वहां से वापसी करी तो एज अ कोरोना प्रोटोकॉल उन्हें होना था क्वारंटाइन, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट में जो है वो ट्रैवल किया। अब उन्होंने जब यहाँ पे किया तो उन्होंने बीएमसी को सूचित किया इस बात के लिए कि वो लोग ताज होटल में खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं तीनों के तीनों। लेकिन यहां पर अपने आप को ताज होटल में क्वारंटाइन करने की बजाय ये तीनों पहुंच गए अपने घर बांद्रा। अब यहां पर जब ये पहुंचे और बीएमसी तक जब ये बात पहुंची तो बीएमसी को आ गया गुस्सा। बीएमसी ने लिख डाला एक लेटर और कर दी सोहेल खान, अरबाज खान और उनके बेटे पर एफआईआर। अब देखिए, जहां एक तरफ लोग इतनी जागरूकता फैला रहे हैं और इससे पहले भी मास्क ना लगाने के चक्कर में पब्लिक प्लेस पर ऑलरेडी अरबाज खान और सोहेल खान को दोनों ही को ही ट्रोल कर दिया गया है, और जैसे कि हम भी जानते हैं कि अरबाज और सोहेल और सलमान के माता पिता जो है कितने ज्यादा जो है वो बुजुर्ग हैं, उनकी भी एज है अच्छी खासी। तो ऐसे में जहां सलमान खान बोलते हैं डोंट गिव देम कोरोना, तो भाई ये बातें जरा अपने भाइयों को भी समझाइए सलमान सर। तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या है, क्या ना क्या है लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।